विश्वसनीयता का प्रतीक बुढ़ामल ज्वेलर पालमपुर। शहरी विकास निदेशालय की तरफ से आज एक टीम ने नूरपुर का दौरा किया। इस टीम ने ठोस कचरा नियम प्रबंधन नियम 2016 के तहत शहर में लागू की गई कौन सी नीतियों को अमली जामा पहनाया और क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है उस पर विश्लेषण किया। टीम ने पाया कि शहर में घर घर कूड़ा एकत्रित करने वाली योजना पूरी तरह काम नहीं कर रही और उसको पुनः चालू करना अभी बाकी है। टीम की माने तो घर द्वार कूड़ा एकत्रित करने की योजना जब भी शुरू होगी तो इसका एकत्रीकरण गीले और सूखे कचरे का अलग अलग से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआती तौर पर ही इस कूड़े का गीले और सूखे कचरे को अलग कर दिया जाए तो इसका निष्पादन बहुत सरल हो जाता है। हम लोग यहाँ नूरपुर आए हैं और हमारा यहाँ पे ये उद्देश्य है कि आप लोग नूरपुर के अंदर सेग्रीगेशन एट सोर्स, जैसे कहते हैं कूड़े को अलग अलग करके सारे लोग दें, और इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे नूरपुर के जो पहाड़ हैं, आजू बाजू की पहाड़ियाँ, उसके ऊपर हम गंद नहीं फैलाएंगे, नूरपुर को साफ़ रखेंगे और आने वाले दिनों में हमारे जो शहर को हम अच्छे मार्क्स से स्वच्छ सर्वेक्षण में ऊपर लेकर आएंगे। हम शहरी विकास निदेशालय की तरफ से टीम ने आज नूरपुर शहर का दौरा किया, जिसमें ये असेसमेंट की गई कि जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम जो 2016 में आए थे उसके अंतर्गत की करने वाली जो कार्रवाई थी उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य जो हैं नूरपुर शहर में हुए, कहाँ गैप्स हैं और कहाँ अभी और बेहतरी करने की ज़रूरत है। इसमें हमने ये पाया कि यहाँ पर जो घर घर से कूड़ा एकत्रीकरण की योजना है उसको चालू करना अभी बाकी है, जो पहले कभी हुई थी बट किसी कारणवश जो है वो ठीक से नहीं चल पाई, अब सुचारू रूप से उसको चलाना आवश्यक है। और इसमें हमने यही बताया है कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जब भी होगा तो वो सूखा और गीला अलग अलग रूप में ही होना चाहिए। नमस्कार जी, मैं मयंक वर्मा, शहरी विकास विभाग से शिमला से आज नूरपुर के विजिट पे आए थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी जागरूकता है लोगों को स्वच्छता के प्रति और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो इसके चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, या एक सर्वेक्षण नाम के कंपटीशन है, आपस की प्रतियोगिता है, जो सभी हमारे भारत के नगर निकाय हैं उनके लिए चलाया गया है। तो उस नगर निकायों में सभी जितने भी हमारे भारत के नगर निकाय हैं पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें कुछ नंबरिंग होती है सभी की, पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर, तीसरे पर। और ये नंबरिंग जो होती है हमारी जोन वाइज होती है, जैसे हमारा नॉर्थ जोन अलग होगा, साउथ अलग होगा, ईस्ट अलग होगा, वेस्ट अलग होगा। तो मेरी सभी हमारे जितने भी नागरिक हैं हमारे शहरी एरिया के, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने सर्वेक्षण के लिए अपने शहर के लिए आप वोट करें। हिमाचल के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।